हेलो गाइस, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो डिस्कशन का जो तरीका रहेगा वो हमारा स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंगली रहेगा। और हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली पहली एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज एंड फोर्थ वन एक्सरसाइज, इस तरह से हम लेक्चर बाय लेक्चर उसको सिस्टमेटिकली पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 11th क्लास का, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप रियल नंबर जो है उससे फेमिलियर हैं? तो रियल नंबर जो है वो एकदम ऐसा एक स्टेट की तरह है। स्टेट मतलब जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया है, तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका अपना एक नियम है, कानून है। तो यहाँ पे सब अपने तरह से होता है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे सेपरेट है। तो रियल नंबर जो है यहाँ पे अपने खुद के तरीके हैं जो फॉलो होते हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी तरीके होते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स ले लें तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके सारे तरीके अलग होते हैं। अगर हम बात करें मैट्रिक्स के अलावा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक खुद एंटिटी है, यहाँ पे भी अपने तरीके रहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर में भी प्रोडक्ट करने के अपने खुद के तरीके हैं। इस तरह से ये अलग अलग सिस्टम्स हैं जहाँ पे अपने अपने तरीके हैं। तो इनके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। मैट्रिक्स के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आता है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ होगा, हम इसके बारे में कैसे जानने को आए। तो चलिए, हम जब रियल नंबर पढ़ रहे होते हैं और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, आपने भी पढ़ी होगी 10th क्लास में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की आई होंगी तो आपको क्या बोला जाता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और माइनस वन आए। तो बस यही एक छोटा सा पॉइंट था जिसकी वजह से हमारे को एक नया चैप्टर क्रिएट हो गया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए, हम इसका स्टार्टिंग जो है इस तरह से कर देते हैं। तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन लिख सकते हैं। बस हमारे को ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है उसको आई का नाम देना है। आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है। अगर आप इसका स्क्वायरिंग करो तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अगर आप इसका अगेन स्क्वायरिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। आप जानते हैं क्या जानते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाइड होती है। तो चलिए, यहाँ से आ जाएगा आई की पावर फोर जो है वो वन हो जाएगा। तो ये रिमार्केबल पॉइंट हैं हमारे जिनको हमको ध्यान रखना है। क्या कि आई क्या होता है, आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होता है। आई स्क्वायर माइनस वन, आई की पावर फोर वन होता है। तो जब भी हमारे को क्वेश्चंस करने को रहेंगे तो हमारे को इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे अगर आपको बोला जाता है कि बताइए आई की पावर फाइव क्या आएगा, तो आप सोचेंगे सर ने आई स्क्वायर बताया, आई की पावर फोर बताया, आई की पावर फोर, फाइव कैसे निकालेंगे। तो फाइव कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको इसको टेक्निकली इस तरह से लिखना है, आई की पावर फोर इंटू आई की पावर वन। क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर एड हो जाती है। तो चलिए, आई की पावर फोर तो हम पहले से जानते हैं वन होता है, तो ये आ जाएगा आपका आई की पावर फाइव जो है वो आई होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको बोला जाता है कि बताइए आई की पावर सिक्स जो है वो क्या आएगा, सेम टेक्निक आप यूज करेंगे, आई की पावर फोर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे। आप जानते हैं क्या कि आई की पावर फोर जो है वो वन होता है, तो इसको तो हम लिखेंगे वन इंटू आई स्क्वायर जो है वो माइनस वन होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे,
माइनस वन प्रोडक्ट करने पे आपको माइनस वन मिल जाएगा। तो ये है आपका बेसिक फंडामेंटल थ्योरी जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, तीन बातें। आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होता है। सेकंड, आई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट आई स्क्वायर माइनस वन। आई की पावर फोर क्या होता है, वन होता है। आगे बढ़ने से पहले एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि चलो बताओ आई की पावर 10 क्या आएगा, तो आप इसको 4 के मल्टीपल में 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई की पावर 8 इंटू आई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर एड हो जाया करती है। तो ये कितना आ जाएगा, आई की पावर 4 और उसकी पावर 2, क्योंकि पावर की पावर जो है मल्टीप्लाइड हो जाती है और आई स्क्वायर जो है माइनस वन हो गया। अब आई की पावर 4 जो है वो 1 होता है, तो 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, 1 इंटू माइनस वन, तो आंसर आपका माइनस वन आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा कुछ है, याद रखने के लिए तीन बातें हैं। आई मतलब आयोटा होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है। आई की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज है हमारी 1.1। ओके तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सरसाइज है स्टेट बोर्ड का वो सिस्टमेटिकली पूरा करने वाले हैं और हर एक कंसेप्ट को साथ में बताते भी जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपके साथ के साथ में होते जाएंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज है हमारा 1.1। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पहला चैप्टर है आपका, एक्सरसाइज है 1.1। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई कीजिए का मतलब है आपको कुछ तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई में, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 625। अब देखिए ना, हुआ क्या है, हम जानते क्या है, हम जानते हैं तीन चीज़ें। आई जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि आई होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होता है। अब देखिए ना, हम बचपन में या छोटे क्लासेज में पढ़ते थे कि अगर हमारे पास रूट 6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ओके, तो इसका बताने का मतलब, अगर मान लीजिए मेरे पास माइनस रूट 16 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब होगा क्या, इसको हम आई लिखना चाहते हैं इस वजह से हमने ऐसा लिखा, तो इसको मैंने लिखा आई, 16 का रूट हो जाता है 4। तो देखिए ना, आपका जो माइनस का 16 था स्क्वायर रूट में, उसको हमने क्या लिख लिया, 4i लिख लिया। तो चलिए, आपका ये तो हो गया यहाँ पे इसका। आगे देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 है, इसको क्या करेंगे हम, इसको अगेन इस तरह से लिखेंगे, 25 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। 25 का अगर आप रूट लेते हो तो 5, और इसको हम आई बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5i। तो इतना जानना हमारे लिए सफिशियंट हो जाता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए, दिस कैन बी रिटन एज 4i प्लस 3, इसको हमने क्या लिखा, 5i प्लस इसको हमने क्या लिखा, 6i माइनस 625 जो है उसको हम 25i लिखेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर
माइनस का 625, दिस कैन बी रिटन एज 625 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। अब देखिए ना, 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, आई, तो ये क्या हो जाएगा 25i, माइनस पहले से है और स्क्वायर रूट के बाहर है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर आप इन तीनों को सोल्व करते हैं तो 4i, 3 5s 15i और यहाँ पे प्लस का 6i माइनस 25i। देखिए अगर आप एडिशन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि 4 और 15, 19 और 6, 25i माइनस 25 जो है आपको जीरो मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट था ये कि सिंप्लीफाई कीजिए और मैंने आपको पूरा बताया। सेकंड पार्ट अब देखो आपके लिए इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका वो भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 16। अब ये हमारे को सॉल्व करना है, बताना है कि आंसर क्या आएगा। अगेन यहाँ पे देखिए, ये जो रूट माइनस 4 है दिस कैन बी रिटन एज रूट 4 इन टू रूट ऑफ माइनस 1, ये तो हो जाएगा आपका 2 और इसको हम क्या लिखते हैं, i, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4, इसको हम क्या लिखेंगे 2i, ये 5 अपनी जगह पे है इसको हम क्या लिखेंगे 3i, माइनस 3 इसको हम क्या लिखेंगे 4i। तो देखिए 4 2 जा 8i, 5 3 जा 15i, माइनस 3 4 जा 12i, ठीक है। अब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे ही करेंगे, तो 8 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 11i, वही आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको दो पार्ट दिए थे, मैंने दोनों भी आपको बताए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। यहां पे आपको एक कंसेप्ट आया है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको लिखने का तरीका जो है वो ऐसा कुछ होता है, a प्लस आई बी, मतलब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है i से। इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। अब सो बात की एक बात ये है कि अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, क्या निकालना है इसका कॉन्जुगेट, तो i को रिप्लेस कर देना है माइनस i से, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाएगा z बार, इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस आई बी हो जाएगा। अब आप एग्जाम्पल्स कर लीजिए, यहाँ पे देखो 2 प्लस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3i हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल में ऐसा दिया होता कि 1 माइनस i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो i को माइनस i से रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस i। तो ये कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है कॉन्जुगेट वाला। कॉन्जुगेट में करना क्या है, i इज रिप्लेस बाय माइनस i, जिसमें आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को कॉन्जुगेट निकालने को बोला है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है, आपको कॉन्जुगेट्स लिखने हैं, तो ये 3 प्लस आई है। अब आपको इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आपको आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है, तो 3 माइनस आई हो गया, बस इतना ही था। तो कॉन्जुगेट में आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है, ओके। चलिए जी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, माइनस रूट 5 माइनस रूट 7
आए हैं। हमारे को नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हमारे को कॉन्जुगेट के टाइम पे आय के बारे में ही सोचना है। आय को क्या करना है, माइनस आय से रिप्लेस करना है। ओके, तो हम देख रहे थे फिफ्थ वाले में कॉन्जुगेट निकालना है, तो आय को हम माइनस आय से ही रिप्लेस करेंगे, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। आय को हमने क्या किया, माइनस आय से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया आपका माइनस का फाइव आर। तो क्वेश्चन नंबर टू के जो कॉन्जुगेट निकालने के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना है। चलिए जी इसके बाकी पार्ट भी देखते हैं। सिक्स वाला पार्ट जो है वो देखते हैं, सिक्स वाले पार्ट में क्या है। तो देखिए सिक्स वाला पार्ट जो है वो है आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस आई। आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो आय है इसको माइनस आय से रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फाइव प्लस आय हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए लास्ट वन देखते हैं, सॉरी सेकेंड लास्ट। सेकेंड जो है वो क्या है, रूट टू प्लस रूट थ्री आय। क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। आई को किससे रिप्लेस करना है, माइनस आई से कर दीजिए, तो रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस आई, तो क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस रूट थ्री आई हो जाएगा। ओके, लास्ट वन है एट वाला, वो देखिए एट में क्या है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। आय को माइनस आय से रिप्लेस करना है, कर दीजिए, तो आय को जब हम माइनस आय से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस आय साइन थीटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू जो है वो कम्प्लीटली बेसिस था, किसके बेसिस पे, कॉन्जुगेट के बेसिस पे। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, आय को माइनस आय से रिप्लेस करना होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री में है क्या। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है ए एंड बी की, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ, फाइंड ए एंड बी इफ। इफ आपको पहला इसका जो पार्ट है उसमें क्या है, ए प्लस टू बी प्लस टू ए आई इक्वल टू फोर प्लस सिक्स आई, ये है। करना क्या है, आपको ए और बी जो है उनकी वैल्यूज निकालनी। कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत इजी वे है। आप इसको इस तरह से लिखिए, ए प्लस टू बी प्लस 2ai equal to 4 plus 6i। हो क्या रहा है, LHS जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, RHS जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं इसका मतलब है ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब a प्लस टू बी जो है मस्ट बी इक्वल टू 4, नेक्स्ट 2a जो है मस्ट बी इक्वल टू 6। क्या देखते हैं, यहां से a जो है वो 6/2 मतलब आपको 3 मिल जाएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ 3 पुट इनसाइड द इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहां पे ए की वैल्यू आपने 3 पुट की, 2b इक्वल टू 4, 3 उधर जाएगा तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 3 आ जाएगा, b जो है उसकी वैल्यू 1/2 आपको मिल जाएगी। तो हमने देखा कि a और b की वैल्यू जो है निकालना मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हमारे को क्या मिलता है, रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट
इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। इससे आपको दो रिलेशंस मिलेंगे, दोनों का यूज करते हुए आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यूज निकालनी है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है आपके पास a माइनस बी प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू ए प्लस फाइव आई, ऐसा कुछ आपको दिया है। क्या होगा यहाँ पे, रियल वाला पार्ट रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो टाइपो हो सकता है, हम उसकी जगह पे यहाँ पे कोई नंबर फोर ले लेते हैं, तो ए माइनस बी फोर के इक्वल आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो फाइव के इक्वल आना चाहिए, तो ए प्लस बी आ जाएगा फाइव के। हम आपको लास्ट टाइम भी बताए थे आपको दो रिलेशंस मिलेंगे, एक रिलेशन इससे ये वाला, एक रिलेशन इससे ये वाला, मिल गया। अब हमको टेंथ क्लास में आइडिया है कि इस तरह की इक्वेशंस को कैसे डील करना है, आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी जीरो हो जाएगा, 9 आपको मिलेगा कि a की वैल्यू जो है वो 9 अपॉन 2 आ गई। अब a की वैल्यू इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, तो हम सेकेंड चॉइस करते हैं, ये 5 है, a की वैल्यू यहाँ पे रखो 9 अपॉन 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 5 माइनस 9 अपॉन 2 10 माइनस 1 तो 1 अपॉन 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, a दिया था हमने, उसकी जगह कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 4 लिया। अब आप जो चाहें वो नंबर ले सकते हैं, और जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो फिक्स रहेगा, दो रिलेशन आपको मिलने वाले हैं, यूज कीजिए और आप वैल्यूज निकालिए। एक और पार्ट करते हैं, देखते हैं आगे के पार्ट को कैसे सोल्व करना है। ओके, इसका थर्ड वन देखिए, थर्ड में क्या है इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है a प्लस बी 2 प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2 ए आई। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी जैसा होना चाहिए, इधर भी a प्लस आई बी जैसा होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट जो है वैसा नहीं है, नहीं है तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू टू 2a, b i से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी आई, a i से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आई, और b जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2b आ जाएगा। ओके, यहाँ पे है आपके पास b प्लस 1 पहला पार्ट प्लस 10 प्लस 2a सेकेंड पार्ट विद i, ऐसा आपको भी इसको वैसा ही फॉर्मेट दीजिए जैसा उधर है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। इन दोनों में से i कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा a प्लस b इस तरह से, और हमारे पास इधर पहले से ही फॉर्मेट तैयार है, तो ये हो गया 10 प्लस 2a i। अब क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा। चलिए इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2a प्लस 2b इक्वल टू b प्लस 1 आना चाहिए, b अगर इधर आता है तो 2a प्लस b जो है वो 1 हो जाएगा। पहला रिलेशन मिल गया, दूसरा रिलेशन ढूंढिए कैसे मिलेगा, दिस इक्वल टू दिस करना पड़ेगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 10 प्लस 2a आएगा। आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर किया तो क्या होगा, 2a को इधर लेके आएंगे तो b माइनस सिर्फ a रह जाएगा, क्योंकि प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का 2a, तो b माइनस a इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन। करना क्या है,
दोनों रिलेशंस का यूज करते हुए ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। हमने ये काम 10th क्लास में बहुत अच्छे से किया है। आप वो वाली इक्वेशन को यहाँ पे रख दीजिए तो ये आ जाएगा b माइनस ए, ए को आगे रखिए, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 10। आप क्या कीजिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाली इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगी। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। क्या होने वाला है, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 3a इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा और a की जो वैल्यू है माइनस 3 आ जाएगी। वंस यू गोट द वैल्यू ऑफ 3 पुट इनसाइड आइदर दिस और दिस इक्वेशन। पुट कीजिए, किस में पुट करें, इसमें। चलो पुट करो तो b माइनस माइनस 3 इक्वल टू 10 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10, तो b की वैल्यू जो है 10 माइनस 3 7 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है माइनस 3 है। तो लॉजिक एकदम क्लियर है, रियल नंबर को रियल के साथ कंपेयर करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि फॉर्मेट जो है वो एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, a प्लस आई बी, इधर भी वैसा ही फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं है तो बनाइए। ओके, हम आगे के क्वेश्चन से और क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं इसके आगे के पार्ट में क्या दिया है। ओके, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या है, ए बी आई, ये फोर्थ वाला पार्ट रहेगा, ए बी आई इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i है। अब आप क्या देख रहे हो, इधर तो रियल वाला पार्ट है ही नहीं, तो नहीं है तो लेके आ जाओ, तो ये माइनस बी जो है उसको इधर ले आओ, तो प्लस बी प्लस ए बी आई, अब ये तैयार हो गया ना, रियल पार्ट प्लस आई के वाला साथ पार्ट हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a प्लस 12i। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो पहले तो हमारे पास फॉर्मेट नहीं था, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि ये वाला पार्ट आप इधर जीरो भी लिख सकते हो। अब आप ये जो पार्ट है इसको इक्वेट करेंगे तो दिस पार्ट मस्ट बी जीरो और 12 जो है वो ए बी के इक्वल आना चाहिए, चॉइस आपकी है कैसे भी करो। तो देखिए दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा, तो 3a जो है वो b के इक्वल आ गया और यहाँ से 12 जो है वो ए बी के इक्वल आ जाएगा। क्या करना है, आप b की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी 12 अपॉन a आ जाएगी, यहाँ पे रख दीजिए तो 3a इक्वल टू 12 अपॉन a, इधर मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 12, इसको इधर लाइए तो 3a स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस 2 और a प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एक ही आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो 2 या फिर माइनस का 2। जब आप एक ही दो वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है तो b की भी आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, पहली अगर आप a की वैल्यू 2 लेते हो तो 12 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 6, अगर आप a की वैल्यू माइनस 2 लेते हो तो 12 अपॉन माइनस 2 तो माइनस 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर ये रहेगा अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 6 है, अगर a की वैल्यू माइनस 2 है तो b की वैल्यू भी माइनस 6 है। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट आप देखिए, समझिए, देन आप कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कीजिए। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या फॉर्मेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। ओके, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, समझिए, यहां पे दिया है a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i, ऐसा कुछ दिया है। आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी, ये पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है, यहां पे ट्रिक भी आपको अलग तरह से यूज करनी है। तो देखिए
क्या करना पड़ेगा, जब डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आपको उसको न्यूमिनेटर में लाना होता है, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ, दोनों भी ऑप्शन हमारे पास है। तो हम सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बेटर समझते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3-2i और ये आ जाएगा a+ib। मैंने ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे इजीली समझा। अब यहाँ पे a+ib जैसा है, हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी ऐसा ही हो, तो उसके लिए आपको इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 3-2i है, इसको 3+2i इससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, इसके कॉन्जुगेट से, जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे आप अपोजिट साइन लेते थे, हमने यहाँ पे भी वही किया। तो देखिए ऊपर आपके पास कितना मिल गया, 3+2i a-b a+b, तो ये क्या हो जाएगा, a²-b² हो जाएगा, a+ib, ऐसा हो गया। अब देखिए ना होगा क्या, 3+2i 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर यहाँ पे आएगा जिसकी वैल्यू जो है -1 होती है, a+ib हो गया। अब आगे देखिए, ये हो गया 3+2i 9 + 4 13 आ जाएगा, तो हम इसको 3/13 और 2/13 लिख सकते हैं, a+ib। अब आप एकदम श्योर हैं ये a+ib ऐसा फॉर्मेट हो गया, a की वैल्यू हो गई 3/13, b की वैल्यू हो गई 2/13, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा a की वैल्यू हो गई 3/13 और b की वैल्यू हो गई 2/13। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा। कंसेप्ट क्या था, डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आपको उसको रेशनलाइज करना है, जैसा समझना है, क्योंकि यहाँ पे बोलने का तरीका अलग है, आपको कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। एक पार्ट और शायद हमारे पास इसमें रहा है, वो भी देख लेते हैं, उसमें क्या है, ये है आपका 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, ओके। तो देखिए यहां पे है आपके पास a+ib मल्टीप्लाई विद 1+i और यहाँ पे दिया है 2+i। ये हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखना है, लिखिए, तो क्या हो जाएगा, a into 1 a into i a i i b into 1, तो i into i i square, जो -1 होता है तो माइनस का b आ जाएगा, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2+i। क्या करना है, आप इन दोनों को साथ में रखिए और a+b इसमें से आप i जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 2+i। कंपेयर कीजिए तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल आना चाहिए। I के साथ क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा मालूम है, a-b आ जाएगा 2 और a+b आ जाएगा 1। अब ये काम तो हमने 10th क्लास में बहुत किया है, इक्वेशंस हैं, ऐड कर दीजिए, 2a = 3 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, इसमें पुट कर दीजिए तो 3/2 + b = 1 आ जाएगा, उधर जाएगा 1 - 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2,
क्योंकि माइनस थ्री बाई टू प्लस वन करेंगे तो माइनस का थ्री बाई टू। तो आप अपना आंसर यहाँ पे बहुत आराम से लिख सकते हैं, ए की वैल्यू हो गई थ्री अपॉन टू, बी की वैल्यू हो गई माइनस वन अपॉन टू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री जो है पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या था देखो, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहले क्वेश्चन में था रूट माइनस वन को आई लिखना था, दूसरे क्वेश्चन में क्या था कॉन्जुगेट था, आई को माइनस आई से रिप्लेस करना था। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या था, हमारे को कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल बताए जाते हैं तो हमारे को बताना होता है कि रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारे को शायद से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होगा। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए। कैसे लिखेंगे देखो, इसका पहला पार्ट देखिए। पहले पार्ट में क्या है, वन प्लस टू आई माइनस टू प्लस आई, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है, इसको a प्लस आई बी फॉर्मेट में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो इस तरह से करेंगे, 1 इंटू माइनस टू, माइनस का 2, 1 इंटू आई आई, अब ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने तो माइनस का 4 आई, 2 इंटू वन टू और i इंटू आई, आई स्क्वायर जो हम पहले से जानते हैं माइनस 1 होता है, तो माइनस टू माइनस टू माइनस का 4 आई माइनस 4 आई तो माइनस का 3 आई, बस आपका आंसर यही रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, सिर्फ हमारे को मल्टीप्लिकेशन के तरीके आने चाहिए जो आपको पहले से ही आते हैं। चलिए जी अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में क्या है, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई की पावर माइनस 1 है, ऐसा है। आपको इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ऐसा होता है। तो यहां पे देखिए 1 प्लस आई है, इसकी पावर माइनस 1 है, तो हम इसको 1 माइनस आई लिख सकते। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, 1 प्लस आई आएगा। तो चलिए जी 1 प्लस आई, 1 प्लस आई तो 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं ना a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखो पहले तो ओपन करो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 ए बी मतलब 2 आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आई अपॉन 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये कट गया, 2 से 2 कट जाएगा तो आई आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1 इंटू आई, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मुझे लगता है ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए जी आगे का पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो देखिए, यहां पे है i 4 प्लस 3 आई अपॉन में है 1 माइनस आई। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले इसको अंदर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा,
फोर आई आ जाएगा, थ्री आई स्क्वायर आ जाएगा, जिसका मतलब होता है माइनस का थ्री, और अपॉन में क्या है, वन माइनस आई है। मैंने आपको इधर भी बताया, इसके पहले भी बताया, डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसको हटाने का एक ही तरीका है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वन प्लस आई, वन प्लस आई हो जाएगा। अब ऊपर के दोनों नंबर मल्टीप्लाई होने वाले हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मैंने ऐसा लिखा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू वन, माइनस का थ्री, माइनस का थ्री आए, प्लस का फोर आए, फोर इंटू वन, फोर लेकिन आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर आई स्क्वायर आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन, माइनस आई स्क्वायर जो है माइनस वन होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस का थ्री, प्लस का आई आ जाएगा, माइनस का फोर आ जाएगा, अपॉन में वन प्लस वन टू आ जाएगा, क्या हो गया ये, माइनस सेवन, माइनस थ्री माइनस फोर, प्लस आई अपॉन में टू, तो यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, हो गया ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ए की जगह क्या आया, माइनस सेवन अपॉन टू, बी की जगह क्या आया, वन अपॉन टू। स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, पहले उसको अंदर लीजिए, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, रेशनलाइज कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एकदम परफेक्टली आंसर जरूर मिलेगा। ओके, इसका अगला पार्ट देखिए, धीरे धीरे आगे के पार्ट में आपको थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाते हैं, लेकिन आपके लिए उतना भी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होगा। देखो अगला पार्ट क्या है, अगले पार्ट में है, इसका अगला पार्ट है फोर्थ वन। तो फोर्थ वन जो है वो टू प्लस आई अपॉन थ्री माइनस आई, वन प्लस टू आई। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर में सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं है। पहले आप इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, तरीका वही है। तो देखो टू प्लस आई अपॉन थ्री इंटू वन, थ्री थ्री टू जा सिक्स आई माइनस माइनस, तो माइनस टू आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा अभी, टू प्लस आई, आई का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस टू, टू प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका फाइव, सिक्स माइनस वन, ये आ जाएगा आपका फाइव आई। अब बिल्कुल आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको उसको हटाने का तरीका मालूम है, क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए, फाइव माइनस फाइव आई, फाइव माइनस फाइव आई, इससे मल्टीप्लाई करना। चलिए जी, तो ऊपर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो टू फाइव जा टेन, टू इंटू दिस माइनस का टेन आए, आई इंटू फाइव फाइव आए, माइनस फाइव आई स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा ये, फाइव स्क्वायर माइनस फाइव आई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, आई का स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो फाइव प्लस टेन तो फिफ्टीन आ जाएगा, माइनस फाइव आई आ जाएगा, अपॉन ट्वेंटी फाइव आई स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 50, क्योंकि 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, 15 अपॉन 50 माइनस 5 अपॉन 50 आई, आपको ऐसा फॉर्मेट चाहिए, रिड्यूस कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 आई आ जाएगा,
क्योंकि अगर 5 से रिड्यूस करेंगे तो 10 3 हो जाएगा, 5 से रिड्यूस करेंगे 1 अपॉन 10 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके पास अब तैयार है, ये a प्लस आई बी जैसा हो गया। चलिए जी अगला पार्ट देखते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है। अगले पार्ट को देखिए, अगले पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट आपको दिया है इसका 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, और इसका क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। क्या है यहां पे स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसमें से उसको हटा लेते हैं। दूसरा प्रोसेस ये भी है, ये जो स्क्वायर है न्यूमिनेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है। हम सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे समझते हैं कि इजी रहेगी, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर और ये 1 माइनस आई का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर न्यूमिनेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। चलिए जी a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab यानी कि 2i आ जाएगा। यहां पे देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab 2i आ जाएगा। क्या देखते हैं आप लोग, 1i स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i, 1i स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2i, क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया 2i बच गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया माइनस का 2i बच गया, 2i से 2i भी कैंसिल हो गया, सिर्फ आपको क्या बच गया माइनस 1। आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, तो माइनस 1 प्लस 0 इंटू आई, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि नहीं है तो 0 लगा के i लिख सकते हैं, उसका मतलब 0 ही होता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो चलिए आगे वाला फॉर्मेट भी देखते हैं, सिक्स्थ वाले पे सब क्वेश्चन में क्या दिया है। सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वाले में क्या दिया है इसका, सिक्स्थ वन देखते हैं। सिक्स्थ वन में है, इसमें बहुत सारे सब पार्ट हैं, सिक्स्थ वाला देखो और सारे करने हैं, क्योंकि हर एक जो है वो अलग है। 3 प्लस 2i 2 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 5i, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। क्या करना पड़ेगा देखिए, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2i, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस 5i प्लस दिस इंटू दिस, तो 2 माइनस 5i 3 माइनस 2i, नीचे क्या होने वाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है, लिख दीजिए, तो 2 माइनस 5i 2 प्लस 5i ऐसा हो जाएगा। क्या होगा फॉलो में, आपको मल्टीप्लाई करना पहले से आता है, तो 2 3 जा 6 3 5 जा 15i 2 2 जा 4i 2 5 जा 10, लेकिन i स्क्वायर आएगा। ये पहले दोनों ब्रैकेट को सोल्व किया तो ऐसा आता है। यहाँ पे देखिए प्लस 2 3 जा 6 2 2 जा माइनस का 4i 5 3 जा माइनस का 15i 5 माइनस का माइनस का, तो प्लस का 10i स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, अब आगे देखिए आगे क्या होने वाला है, 6 माइनस का 10 आएगा, क्योंकि i स्क्वायर जो है माइनस 1 होता है, तो माइनस 10 और 6 तो माइनस का 4, 15 और 4 तो प्लस का 19i हो गया, माइनस का 10 और प्लस का 6 तो माइनस का 4 माइनस का 19i हो गया, ये हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 लेकिन i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या होने वाला है, ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, ठीक है, तो क्या बच गया, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 29 यहाँ पे आ जाता है,
जिसको आप 0 × i भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फिर से देख लीजिए एक बार, कुछ गलत तो नहीं हो गया? दिस इंटू दिस किया और दिस इंटू दिस किया, तो हमारे को डेफिनेटली आंसर इस तरह से मिलने वाला है। प्रोसेस आपके सामने है, आपको ध्यान ये रखना है i स्क्वायर आता है तो आपको उसकी जगह पे -1 रखना है, i की पावर 4 आती है उसकी जगह पे 1 रखना है, और कुछ नहीं। ओके, अगला पार्ट देखते हैं इसका, सेवेंथ वन। सेवेंथ वाले पार्ट में क्या दिया है, इसका सेवेंथ पार्ट देखिए। सेवेंथ वाले पार्ट में दिया है 1 + i^-3 है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। क्या करना है, तरीका वही है। देखिए सबसे पहले 1/1 + i^3 है, ये लीजिए ये 3 है। अब आप यहां पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है a + b³ क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए a³ b³ + 3a²b + 3ab² होता है। अब यहां पे अगर हम यहां से कंपेयर करें तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे i है। चलिए जी लिखते हैं, तो क्या करेंगे, 1/1 + i³ आ जाएगा प्लस 3a² यानी कि 1² इंटू बी प्लस 3 1 × i² आ जाएगा। हो गया ना, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² क्या करना होगा। अब देखो यहां पर पहले आप ये समझिए कि iq है, हम इसको क्या लिखें, पावर 3 है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। अगर ऐसा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या होगा, -1 × i आ जाएगा, जिसको हम माइनस का i लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे 1 - i, 1² 1 ही होता है तो प्लस का 3i, i² - 1 होता है तो -1 × 3 - 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी 1/-+ तो -2 3 - +2i। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इलिमिनेट करने का तरीका भी आप जानते हो, इसके कंजुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई -2 2i, कंजुगेट i को -i से रिप्लेस करना होता है, ये हो गया। तो चलिए ऊपर तो आ गया आपका -2 - 2i / -2 2 तो 4 माइनस दिस तो 4i, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं a² a - b a + b, तो ये आ जाएगा -2² - 2i² तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 - 2i / -2² आ जाता है 4, 2² 4 और i² - 1, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 8 आ जाएगा तो -2/8 तो -1/8 और -2/8 अगेन -1/8 i आ जाएगा। तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, क्यूब है तो हटाना है और बाकी के काम आप इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास टोटल जो है 11 पार्ट है, उसमें से मैंने आपको 7 पार्ट बताए, अब हम आगे बढ़ते हैं 8 पार्ट की तरफ। देखो 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट देखिए, ये फोर्थ का हम 8 पार्ट देख रहे थे। ओके, 8th वाले पार्ट में देखिए क्या है, ये मुझे लगता है सबसे आसान हो जाएगा। 2 + √-3 है और 4 + √-3 है, ऐसा कुछ क्या होने वाला है। सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, 2 + √3i लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, 4 + √3i लिखेंगे।
अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, एलिमिनेट करने का तरीका आप जानते हो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो 4 माइनस रूट 3 आई अपॉन 4 माइनस रूट 3 आई, ऐसा कुछ क्या होने वाला है, दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो चलिए 2 प्लस रूट 3 आई 4 माइनस रूट 3 आई अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आई का स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब देखो मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 4 टू जा 8 माइनस 2 रूट 3 आई, रूट 3 इंटू दिस, तो 4 रूट 3 आई, दिस इंटू दिस, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 और आई स्क्वायर माइनस 1 ते प्लस का 3 आ जाएगा, अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, आई स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके क्या होने वाला है, 8 और 3 11 और प्लस 2 रूट 3 आए, नीचे 19 आएगा तो वो इसके नीचे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा। मुझे लगता है ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बाकी से अलग दिया था, रूट में माइनस 3 दिया था जिसको हम रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, रूट माइनस 1 को हम i लिख सकते हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट है 9th नंबर का, वो देखिए 9th नंबर पे क्या है, इसमें सब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और इसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन करने का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा। 9th वन देखिए, 9th में क्या है, ठीक है जी 9th वाला तो बाकी से भी आसान है, क्या है माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट ऑफ माइनस 4 पहला ब्रैकेट प्लस 1 माइनस रूट ऑफ माइनस 9 है प्लस 2 प्लस 3 आए 2 माइनस 3 आए। ये देखिए आपके लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, सिर्फ डराने के लिए आपको ऐसा दिया है, इतना लेंथी, बाकी देखा जाए तो बाकी क्वेश्चन से आसान है।